नोएडा स्थित मार्वल स्टूडियो में 6 से 8 अक्टूबर 2022 तक 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य कला साहित्य को बढ़ावा देना एवं नवोदित साहित्यकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दुनिया भर में भारत का परचम लहरा सके। भारत के दूसरे सबसे बड़े 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में तीसरा सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस सम्मान समारोह में कविता चड्डा, कवित्री और लेखिका देविक रमेश, प्रसिद्ध लेखक आनंद साहू, भाजपा नेता सहित साहित्य और राजनीति क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिष्ठित गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कहा कि परमपिता परमेश्वर ने हमें अपार शक्तियां दी हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे अच्छे या बुरे किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। 3 साल पहले सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड की परिकल्पना की गई थी और आज ये साकार होकर अपने तीसरे सफलतम आयोजन की तरफ अग्रसर है, जो कि एक सकारात्मक विचार एवं ऊर्जा का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि मैं पहला भारतीय हूँ जिन्हें 5 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलने का अवसर मिला है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस अवार्ड को देने के लिए लोगों को यहाँ बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर VL गौर, संस्कृत और हिंदी कवि, डॉक्टर भुवन लाल, लेखक और फिल्म मेकर, श्रीमती अलका सिंह, कवियत्री प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी वर्मा, लेखिका श्रीमती रूपा सिंह, लेखिका डॉक्टर सुनीता, लेखिका श्रीमती उर्वशी अग्रवाल उर्वी, प्रकाशक और कवियत्री श्रीमती सानिया इनामदार, कवियत्री और उपन्यासकार श्री पवन कुमार कवि को अपने अपने क्षेत्र में साहित्य के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मारवा स्टूडियो द्वारा प्रकाशित न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एवं पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों ने संदीप मारवा द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती द्वारा उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को धन्यवाद किया गया। 4 साल पहले हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये विचारधारा तैयार की थी कि हमें एक ऐसा साहित्य रत्न अवार्ड तैयार करना है ताकि जो हम लोग उभरते हुए नहीं बल्कि पके हुए, जमे हुए और जिन लोगों ने बेहतरीन साहित्य में काम कर लिया है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। और इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता था कि मैं इस अवार्ड को अपने पिताजी का नाम दे सका, सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड, जिसका आज अभी ये कार्यक्रम खत्म हुआ है। 9 लोगों को इस बार पिछले साल की तरह सम्मानित किया गया है। इन 3 ही सालों में इस अवार्ड का जो महत्व है वो हमारी सोच से भी आगे निकल चुका है। हकीकत में तो ये है कि जब पूछा गया मुझसे कि क्यों सूरज प्रकाश मारवा के नाम से ये अवार्ड तैयार किया गया, तो मुझे ये उन्हें लोगों को यकीन दिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने जो भी 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कायम किए हैं अब तक और तकरीबन 30 लाख लोगों को जो हमने मारवा स्टूडियो और एशियन एकेडमी के साथ जोड़ा है और जो 1000 से भी ज़्यादा अवार्ड जो हमारी संस्था को पूरी दुनिया से अब तक मिले हैं, उसका मैं सारा श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूं कि अगर उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और जो संस्कार उन्होंने हमें दिए, अगर आज वो मेरे साथ ना होते तो शायद हम लोग भी आज कामयाब ना होते। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कई साल लगे ये सोचने के लिए कि क्या मैं इतना काबिल हूँ कि क्या मैं उनके नाम का अवार्ड शुरू कर सकता हूँ। जब मुझे 3 साल पहले ये यकीन हो गया कि हम लोग यस अब कुछ कर सकते हैं तो मैंने उनके नाम का ये अवार्ड शुरू किया है। मुझे खुशी है कि अवार्ड लेने वाले खुद बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पदवी को अब तक ग्रहण कर चुके हैं। सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा? बहुत ही
अच्छा लग रहा है, बहुत ही इलेटेड फील कर रही हूँ। ये मेरे जीवन की पहली अवार्ड है, और अवार्ड क्या, ये फर्स्ट प्राइज़ है। मैंने कभी पेंसिल भी मुझे नहीं मिला, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी पढ़ाने में पिछले 28 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ प्रोफेसर, लेकिन मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, चाहे बेस्ट फैकल्टी का हो या बेस्ट स्टूडेंट का हो। तो पहला अवार्ड हमेशा याद रहता है, तो ये हमेशा याद रहेगा। तो क्या कारण रहा मैम कि ऐसा पहली बार हुआ, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, या आप खुद से मतलब उसमें अवार्ड शो में जाना नहीं चाहते? मुझे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, शायद मैं शोर कम करती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ। लिखना तो मैंने 9 साल से ही शुरू कर दिया था, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे न्यूज़पेपर अंकल जो थे, जो न्यूज़पेपर पहुंचाते थे, मैं उनको लिख के दिया करती थी, इतनी ना समझ थी। ये एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है नोएडा की, नहीं पूरे विश्व की, कि यहाँ पर मारवा स्टूडियो में इतना अच्छा आयोजन किया जाता है, जो साहित्य, फिल्म और तरह के जो डिसिप्लिन जैम से जुड़ा हुआ। संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व, यानी मैं इस उम्र में भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, ऊर्जा ग्रहण करता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इतने अध्ययनशील हैं, इतने अपने विचारों में इतने स्पष्ट हैं, कि आप लोगों के लिए तो मैं सोचता हूँ बड़े बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनका साथ आपको मिला हुआ। निश्चित रूप से सूरज प्रकाश जो अवार्ड है, साहित्य अवार्ड, ये डॉक्टर संदीप मारवा जी का जो सपना जो उन्होंने बुना होगा, उनके पूज्य पिताश्री, वो साकार होते हुए नज़र आ रहा है। और एक साथ एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड जो राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक साथ सेमिनार, एग्जीबिशन, पैनल डिस्कशन, इंटरव्यूज़, बुक रिलीज, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, अवार्ड सेरेमनीज, प्रेस रिव्यूज़, डॉक्यूमेंटेशन, थिएटर शोज, इतने सारे इवेंट एक साथ करना ओनली पॉसिबल विथ डॉक्टर संदीप मारवाज एंड हिज टीम एंड हिज स्टूडियो एंड स्टूडेंट्स एंड ऑल इनोवेशन एंड आर्ट एंड कल्चर। मैं कहता हूँ कि भारत के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई स्थान नहीं हो सकता है, जिसमें साहित्य के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और अपने सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर संदीप मारवा एंड उनके टीम कर रहे हैं, उनका इंस्टीट्यूशन कर रहा है। जी, मैं सविता चड्ढा हूँ, और आज मुझे सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान में मुख्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया गया है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि यहाँ सम्मान कुछ प्रतिष्ठित साहित्यकारों को मिला है, और कुछ ऐसे लोगों को भी मिला है जिन्हें पहली बार यह सम्मान दिया गया है। तो यह मेरे विचार में बहुत अच्छी बात है कि यह जो सूरज प्रकाश साहित्य रत्न सम्मान दिया जा रहा है, शुरू की गया 3-4 साल से ये, और आज मैंने देखा कि एक महिला को पहली बार ये सम्मान मिला, जबकि वो बहुत सारा लेखन कर चुकी है। तो सम्मान दिया जाना, सम्मान का चयन किया जाना, साहित्यकारों का चयन करना, ये संदीप मारवा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है, और मुझे लगता है कि ये सम्मान आगे आने वाले समय में हमारे साहित्यकारों के लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करेगा, और साहित्य में नई रोशनी प्रदान करेगा, सबको सकारात्मकता मिलेगी। और मैं संदीप मारवा जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, और सम्मान देने के लिए मैं भी मंच पे उनके साथ रही। तो मैं सब विजेताओं को भी बधाई देती हूँ।